केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमंत्री नितिन गडकरी ने नागपुर हैदराबाद राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर निर्मित ऑक्सीजन बर्ड पार्क का उद्घाटन किया। जामठा के पास बना यह ऑक्सीजन बर्ड पार्क भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा विकसित एक पर्यावरण पहल है। यह कुल 8.23 हेक्टेयर का क्षेत्र है, जिसमें 2.5 हेक्टेयर सामाजिक वानिकी के लिए समर्पित है। यह पार्क दोनों प्राकृतिक पक्षी आवास और स्थानीय लोगों के पर्यटकों के लिए मनोरंजन स्थल के रूप में काम करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस पार्क में वायु प्रदूषण को कम करने और स्वास्थ्य वातावरण को बढ़ावा देने के लिए तेजी से बढ़ने वाले ऑक्सीजन पैदा करने वाले पेड़ लगाए गए हैं। नागपुर का सामाजिक वानिकी प्रभाग इन हरित स्थानों को विकसित करने और बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि हमारे देश में बहुत सी समस्याएं हैं, उनमें से सबसे बड़ी है पर्यावरण प्रदूषण, और पर्यावरण की रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। इस पार्क में आने वाले बच्चे, युवा और बुजुर्ग यहाँ खाएंगे, खेलेंगे और इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि वे यहाँ शुद्ध हवा में सांस लेंगे। हमारे देश की अनेक समस्याएं, उसमें सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की, और पर्यावरण की रक्षा करना ये हमारा बहुत कर्तव्य है। एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन और साउंड पोल्यूशन से देश को मुक्ति देना। दिल्ली जैसे शहर में विशेष रूप से कितना प्रदूषण बढ़ा, उसका हेल्थ के ऊपर कितना परिणाम हुआ, एक रिपोर्ट में कहा गया कि 10 साल उनका जीवन कम हो गया। तो ये ऐसा पार्क है, यहाँ सीनियर सिटीजन, दिव्यांग बच्चे आएंगे, खेलेंगे। अच्छा रेस्टोरेंट भी बना हुआ है, और विशेष रूप से सबसे बड़ा फायदा यह है कि यहाँ वो आने के बाद ऑक्सीजन लेंगे, क्योंकि यहाँ की हवा बहुत शुद्ध है और अपने घर के तरफ की हवा बहुत फर्क है। दूसरी बात, ये बर्ड अलग अलग प्रकार के आएंगे, वो तालाब भी बनाए हैं और यहाँ फ्रूट्स के पेड़ हैं। हमारे फ्रूट्स ह्यूमन बीइंग, इंसान नहीं तोड़ सकता, ये केवल बर्ड्स के लिए रखे हैं। तो प्रयास है कि दुनिया भर के बर्ड्स यहाँ आए, जैसे मुंबई में रशिया से बर्ड्स आते हैं तालाब में। धीरे धीरे हम, हमारे यहाँ भी इच्छा रही कि कैसे करेंगे कोशिश उसके लिए कि पूरे अलग अलग बर्ड्स यहाँ लोग यहाँ आए, ऑक्सीजन लें और उनका स्वास्थ्य अच्छा बने। ये एक NHI ने पहल की है, ये यहाँ सूर्य सोलर पावर है, ये पूरे एक कॉफी शॉप रेस्टोरेंट है और इसके साथ साथ बच्चों के लिए खेलने की जगह है, और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा लेने वाले ऐसी स्पेसिस लगाई है। अब उसके नीचे में हम इंग्लिश, मराठी, हिंदी में बोर्ड भी लगाएंगे ताकि बच्चे जब आएंगे तो उनको पता चलेगा कि कौन सा CO2 कौन सा पेड़ ज़्यादा लेता है। हम इसके कार्बन क्रेडिट के लिए भी अप्लाई कर रहे हैं ऑलरेडी, और हमने अभी तक 4 करोड़ पेड़ लगाए 3 मीटर के, उसको ईटैक 3.5 करोड़ ईटैक हुआ है। फिर उसके बाद में हमने करीब 76,000 ट्रांसप्लांट किए हैं, उसको भी हम ईटैक करेंगे, और ये वेबसाइट पर आप देख सकोगे कहाँ किया, नंबर देंगे। तो इस प्रकार से एक इकोलॉजी एंड एनवायरमेंट के लिए, जैसे मैं अभी ये गाड़ी में आया हूँ, ये 100% इथेनॉल पर चलने वाली है और ये वर्ल्ड की पहली गाड़ी है जो Euro 6 इमिशन नॉर्म पूरी करते हैं। एक तरफ फ्यूल में अल्टरनेटिव फ्यूल, बायो फ्यूल लाकर जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर का 40% पोल्यूशन है उसको कम करना, और दूसरी ओर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो पूरा अपने को कितना जीवन आपका खराब कर रहा है हम सब पता नहीं कर समझ नहीं पाते। अब वो कार्बन डाइऑक्साइड ये पेड़ लेंगे तो हमारी हवा शुद्ध होगी और एक खुले ऑक्सीजन में लोगों को आनंद मिलेगा, बच्चों को आनंद मिलेगा, दिव्यांगों को मिलेगा, सीनियर सिटीजन को मिलेगा। ये बहुत खुशी की